हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी टेक में। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का पहला पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। और गाइज मैं सच बता रहा हूँ, ये पोयम इतना इमोशनल है कि लिटरली आपकी आंखों से आंसू टपकने वाले हैं। तो अपने जज्बातों को काबू में रखना और रोने धोने मत लग जाना। तो इससे पहले कि मैं अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूँ, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि गाइज हम बहुत ही ज़्यादा करीब है 26 के सब्सक्राइबर के लिए। तो प्लीज़ आप याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के समरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मिस आउट कर दोगे, तो वो जरूर से कर लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में जो हमारी ऑथर है यानी कि शर्ली, वो एक फोटोग्राफ को देख रही है और बता रही है। और यहाँ पर फोटोग्राफ को रेफर किया गया है कार्डबोर्ड से। आप बुक में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कार्डबोर्ड, तो आप उसे फोटोग्राफ समझ लेना। तो उसमें दिखाया क्या है कि वहाँ पर तीन लेडी है जो एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई है, और उनमें से जो सबसे बड़ी लेडी है वो उन दोनों कज़न सिस्टर्स की मॉम है। और फिर वो हमें बताती है कि जब ये फ़ोटो ली जा रही थी तब उस बीच में बहुत ही ज़्यादा विंड चल रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था, जिससे उन तीनों के जो बाल है वो उनके मुस्कुराते चेहरे पर आ रहे थे। और ये फ़ोटो उनके अंकल ने ली थी। यार मेरी मॉम कितनी सुंदर दिख रही थी ना, और ये फ़ोटो तब की है जब मेरी माँ केवल 12 साल की थी। और आज भी वो बीच वैसे का वैसा ही है। बस इन बीच पर खड़ी वो तीन लड़कियाँ, बस इनकी लाइफ अलग है। और इनकी लाइफ में छोड़ो यार, जाने दो, मैं रो दूंगी उनको बता करके। मुझे अभी भी याद है जब मेरी माँ 35-40 साल की थी और मैं उस समय बच्ची थी, और उस समय मेरी माँ ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई थी और वो मुझे ये पिक्चर दिखाते हुए बहुत खुश हुआ करती थी और कहती थी, अरे देखो देखो यार पैटी और डॉली को, यार हम लोग ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। बाकी वो फोटो अभी भी है, वो बीच, वो समुद्र, वो लहरें, वो वहाँ का विंड आज भी है, पर मेरी माँ का हंसता हुआ चेहरा वो आज नहीं है। मेरी माँ आज नहीं है। हाँ, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो सारे बीच वाले फ़ोटोज़ वो मेरी माँ के पास्ट के बारे में बताते हैं, और वो जो मेरी माँ का हंसता हुआ चेहरा था वो मेरी पास्ट के बारे में बताती है। उस समय माँ जो मेरी थी वो अपने पास्ट को मिस कर रही थी, और आज मैं अपने पास्ट को मिस कर रही हूँ। मिस यू मॉम, मिस यू वेरी मच। माँ जब अपना पास्ट याद कर रही थी तब उस समय वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, और आज जब मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ उस फोटो को देखकर, तो मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। समय बीतने के साथ साथ दोनों ने इस सिचुएशन में रहना सीख लिया था। मैंने भी सीख लिया है कि अब मेरी माँ मेरे पास और नहीं है। मैंने भी इस नुकसान को सहना सीख लिया है, और आज मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए। 12 सालों से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। 12 साल मतलब इस पिक में जितनी मेरी माँ की एज है उतने साल आज हो चुके हैं। और आज भी जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं रोने भी लगती हूँ। ए माँ, तू कहाँ चली गई है? देख आज तेरी बेटी तेरे को याद कर रही है। तेरी बेटी तेरे को याद करते हुए कितना रोती है। वापस आ जाना, एक बार तू मुस्कुरा देगी ना तो मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। ए माँ वापस आ जाना। सो गाइज ये था बेसिकली वीडियो। यार मैं खुद इमोशनल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। आगे तो कुछ कह पाऊँगा नहीं, बस एक ही चीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। बस बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। It's all about humanity.